So, good morning, everyone. After an entire 1 week of admissions, registration of admissions, we are back to the classes, guys. और अब सबको जैसे पता है कि पिछले कुछ एक आध हफ्ते में हम लोग सबके सब व्यस्त थे अपने एडमिशंस कॉलेज न्यू एडमिशंस को लेके. आज हम लोग जो नया चैप्टर, और हम लोग ने अभी तक 3 चैप्टर्स स्टडी कर लिया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स, उसमें से हमने जो 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है वो है, पहला चैप्टर जो था वो था हमारा मेजरिंग सिस्टम को लेके था, पूरा एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम, ठीक है. दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो था ट्रांसड्यूसर्स, और तीसरा जो चैप्टर था वो था हमारा सिग्नल कंडीशनर. आज और जो चौथा चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं गाइस, वो है हमारा क्या, इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्डर्स. देखिए, इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्डर्स जो चैप्टर है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी ऐसा कोई भी उपकरण जो चीजों को इंडिकेट करता हो, जो भी हमने मेजरमेंट किया है या जो भी चीजों का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और जिसके एंड रिजल्ट्स आए हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेशर मेजरमेंट के जरिए हमने, अगर हमको उसका उसमें कितना करंट है या वोल्टेज है वो हम लोग को देखना है, या उसकी वैल्यू को हम लोग को रिप्लिकेट करनी है, तो हमने, या अगर हम लोग को पता पता करना है कि वो किस तरीके से उसकी वैल्यू, जैसे अगर प्रेशर है तो अगर उसका पास्कल उसका यूनिट होता है, तो अगर वो पास्कल में हम लोग को वैल्यू चाहिए तो हम लोग को शो करना चाहिए, या बार में अगर हमको वैल्यू चाहिए तो वो हमको शो करना चाहिए, या अगर 76 एम ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चाहिए तो वो भी हमको शो ऑफ करना चाहिए, मेजर एमएम के रूप में अगर अपने को देखना है तो. सो देर आर डिफरेंट वेज. तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये पहली चीज तो इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो भी हमने प्रोसेस किया, इट इज अ प्रोसेस, या द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, या प्रोसेस इज बीइंग स्टार्टेड, या प्रोसेस इज बीइंग एंड. और रिकॉर्डर्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि इसका एनालिसिस, एनालिटिक्स हम लोग समय के साथ साथ करें. तो बेसिकली जो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन पे लाएंगे वो है हमारा क्या, हमारा है एंड डिवाइसेस. एंड डिवाइसेस का मतलब होता है अंत उपकरण, ठीक है. अगर हम लोग बात करें अंत उपकरण, ठीक है, अंत उपकरण, तो अंत उपकरण की अगर हम लोग बात करें, एंड डिवाइसेस की हम लोग बात करें गाइस, तो एंड डिवाइसेस क्या होते हैं. एंड डिवाइसेस ऐसे लास्ट क्वांटिटी होते हैं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में, जिनके हेल्प से इंडिकेटर्स और रिकॉर्डर्स अपना रिजल्टेंट देते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि जो फाइनल आउटपुट हम लोग प्रस्तुत करते हैं. इसका डेफिनेशन कैसा हुआ, देखिए, द लास्ट क्वांटिटी इन एनी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम इन एनी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम विच विद द हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ इंडिकेटर एंड रिकॉर्डर्स रिकॉर्डर्स गिव द रिजल्टेंट
और दी और द फाइनल आउटपुट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंड डिवाइस. एंड डिवाइस क्या है? एंड डिवाइस आर द लास्ट क्वांटिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे अंतिम या लास्ट क्वांटिटी होती है जिसके हेल्प से हम लोग इंडिकेटर और रिकॉर्डर जो है वो आपको रिजल्टेंट देते हैं या फाइनल आउटपुट देते हैं. तो ये जो हमारे एंड डिवाइसेस हैं, बेसिकली एंड डिवाइसेस जो हैं हमारे, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं. अभी तक जो हमने देखा एंड डिवाइसेस जो हैं वो दो टाइप से हैं. पहला है हम लोग का एनालॉग और दूसरा है क्या, डिजिटल. ठीक है. सो ये जो, अब अगर हम लोग एक एनालॉग डिवाइसेस की अगर हम लोग फेहरिस्त बनाएं, सो देर आर लॉट ऑफ एनालॉग डिवाइसेस जो कि एंड डिवाइसेस के रूप में हम लोग रेगुलरली हम लोग देखते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो अगर एनालॉग सिस्टम में देखें, तो एनालॉग सिस्टम में जो पहला है वो स्ट्रिप और सर्कुलर चार्ट. स्ट्रिप और सर्कुलर चार्ट, ये हमारा पहले टाइप का एंड डिवाइस है जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है. दूसरा एंड डिवाइस है जो है वो है हमारा प्लॉटर. स्ट्रिप चार्ट या सर्कुलर चार्ट के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिप चार्ट या जो सर्कुलर चार्ट है उसमें एक पेन रहता है, ठीक है, और एक ग्राफ रहता है. उस ग्राफ में जैसे जैसे वैल्यूज का जो भी जैसा वैल्यू आता है उतना वो पेन जो स्टाइलस या पेन इंक पेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो स्टाइलस उतना मूव करेगा और ग्राफ में वैल्यू को प्लॉट करेगा. तो उसी का जो स्ट्रिप चार्ट या सर्कुलर चार्ट में जो भी डिफरेंसेस आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उसको ठीक करने के लिए फिर किसका किसको बनाया गया, डायरेक्टली प्लॉटर्स को बनाया गया. प्लॉटर्स जो थे ये थोड़े ज्यादा एफिशिएंट चार्ट्स थे जो कि किसी भी चीजों को प्लॉट कर सकते थे, ठीक है. इसके बाद जो आया वो था हमारा ऑसिलोस्कोप. ऑसिलोस्कोप या जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोलते हैं सीआरओ या सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. कि ये एक बहुत बड़ा क्रांति आया इलेक्ट्रॉनिक या मेजरमेंट सिस्टम में कि जब हम लोग को वैल्यूज को देखना है या हम लोग को उसका एनालाइज करना है तो उस समय इसका ये जो जो ऑसिलोस्कोप का जो इन्वेंशन था ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ हमारे इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स एनालॉग डिवाइसेस में, ठीक है, और रिकॉर्डर्स में. मतलब देवर बोथ ऑसिलोस्कोप जो हुआ इंडिकेट भी कर रहा और रिकॉर्ड भी कर रहा था. फिर इसी का एडवांस वर्जन आजकल हम लोग देखते हैं वो है हमारा डीएसओ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप. आप अगर आप देखेंगे तो डीएसओ हमारे कॉलेज में है और हम लोग उसको एक बार विस्तार में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा नल पॉइंट पोटेंशियोमीटर. नल पॉइंट पोटेंशियोमीटर, ठीक है. तो ऐसे ऐसे करके जो चीजें होती गई वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ सिलसिलेवार. उसके बाद आपका हुआ गेज, ठीक है. सिक्स्थ जो था हमारा वो था मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स. टेप रिकॉर्डर्स, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एनालॉग डिवाइस हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. हम लोग इसमें से कुछ चीजों को हम लोग बहुत विस्तार में पढ़ेंगे और बाकी थर्मामीटर. सो थर्मामीटर जो पहले के आते थे आप देखे होंगे सब, उसके अंदर मरकरी होता था और वो जैसे आपका हीट आता था उसके हिसाब से वो मरकरी उतना मूव करता था और वो एक सटीक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू हमको देता था,
और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ एनालॉग एंड डिवाइसेस जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एनालॉग डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे, इसमें हम लोग देखेंगे। अब अगर हम लोग डिजिटल डिवाइसेस में जाएं, तो डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि जो पहला है हमारा वो है नंबर्ड ड्रम डिवाइस, ठीक है। दूसरा था हमारा लाइटेड नंबर्ड डिवाइस, तीसरा था हमारा पंच कार्ड। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस में पंच कार्ड टिल डेट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर नेक्स्ट आया इसका एडवांस वर्जन था पंच पेपर टेप, पेपर टेप। फिर इसके बाद आया हमारा कोडेड पल्स मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर। सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ एंड डिवाइसेस बोथ इन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म के हमारे जो एंड डिवाइसेस थे वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉपर रहे। सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ एंड डिवाइसेस जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक। सो इसके अलावा जो हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है उसमें नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम, जो एक बहुत बड़ा मतलब सबसे पहला डिवाइस था हमारा इंडिकेटर रिकॉर्डर के लिए, और उसमें हम लोग किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन देखते थे वो हम लोग, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि उसमें स्विचेस होते थे और 100, 10 और 1s के अलग अलग प्लेस वैल्यू के फॉर्म में चीजें कैलकुलेट होती थी, और हम लोग उसके हिसाब से हम लोग चीजों को इंडिकेट करते थे। फिर निक्सी ट्यूब आया, निक्सी ट्यूब में हम देखेंगे कि किस तरीके से नंबर को हम लोग वहां पर एक चार्ट होता था, या क्या बोलते थे, एक स्केल होता था, उस स्केल को निक्सी ट्यूब के अंदर हम लोग डालते थे, और एक ये जो हमारा ट्यूब है ग्लास ट्यूब वो वायर मैश के फॉर्म में रहता था, है ना, न्यूमेरिकल शेप्ड कैथोड थे उसके, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर किस टाइप से काम करता है, और उसका हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम किस तरीके से रहता है। फिर एक्स वाई रिकॉर्डर्स को हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स को हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स काम करते हैं। सो दिस आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्डर्स जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग गाइस देखते हैं नंबर, नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको इसका पूरा भरपूर नोट्स दिया हुआ है नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम को, हम लोग चलिए वन बाय वन देखेंगे। सो नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम में वन बाय वन सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कि हम लोग के जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स और रिकॉर्डर्स थे उसमें क्या क्या चीजें थी, जो कि समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी हम लोग के, और समझने के साथ साथ हम उसमें ये देखेंगे कि किस टाइप से चीजें हमारी प्रॉपर हुई हैं और कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए और किस तरीके से उसको वन बाय वन उसमें चेंजेस होता गया, होते के साथ साथ हम लोग ने किस तरीके से चीजों को हैंडल किया और फिर चीजें बढ़ती गई। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है
इंडिकेटर रिकॉर्डर में नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम। नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम में बेसिकली एक बॉक्स डिजाइंड हुआ करता था। उस बॉक्स में जो हमारे डिवाइसेस थे नंबर एक इंडिकेटिंग सिस्टम का, उसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस टाइप से था। ये देखिए, ये ऐसा एक बहुत ऐसा करके ये बॉक्स हुआ करता था। इस बॉक्स के अंदर हम लोग अलग अलग वैल्यूज को प्लेस किया करते थे, जैसे ये है, और सबके लिए एक स्विच रहा करता, और जब भी जो वैल्यू आता था वो स्विच उसके हिसाब से ऑन ऑफ को रेप्लिकेट किया करता था। ठीक है, सो दिस वाज हाउ द सिस्टम सेवन सिक्स फोर थ्री टू वन जीरो, इस टाइप से चीजें होती थी। और इसका जो कनेक्टिविटी होता था वो इस टाइप से हमारे सिस्टम के साथ ऐसा लास्ट लाइन के साथ, हर एक लाइन के साथ जोड़ा हुआ करता था। सेम इसी प्रकार से ये तो हंड्रेड्स की प्लेस हो गई। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का एक वैल्यू होती थी टेंस की। तो टेंस में हम लोग देखेंगे टेंस में क्या रहता था हमारा, बेसिकली देखेंगे ऐसा करके ये वैल्यू हमारा टेंस कर रहता था। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जीरो। सो दिस वाज 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11, है ना, ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और ये था हमारा वंस की प्लेस वैल्यू। तो इसमें हम लोग क्या किया करते थे, इनकी कनेक्टिविटी यहीं पर एंड अप हो जाती थी। इस टाइप से वैल्यू अरेंज थी। और ये था हमारा अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जैसे भी हम लोग को, जैसे ही हम लोग को अगर मान के चलो 9 4 8 वैल्यू इंडिकेट करना है, तो हम लोग क्या करते थे हंड्रेड्स के प्लेस में, यहाँ पर देखिए 9 का वैल्यू कहाँ है ये, तो 9 वाले को हम लोग, ये क्या होता था स्विच ऑफ हो जाता था 9, यहाँ पर हमारा स्विच हो जाता था ये 4, और ये हमारा हो जाता था 8। सो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो क्या होता था,
वर्क करता था और हम लोग को डिस्प्ले यहाँ पर प्राप्त होता था। ये था हमारा नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम का मेथडोलॉजी, और जिसका डिटेल, फुल डिटेल्स जो है वो हमने हिंदी वाले जो नोट्स है, हिंदी नोट्स में इसको आप लोगों को दिया हुआ है, जिसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें हम लोग 948 में क्या किया। वैसे अगर मेरे को सपोज कीजिए 856 को देखना है, तो 8 के लिए ये नंबर जो 8 है इसकी स्विच हमें, इसकी स्विच बंद हो जाएगी। 5 के लिए ये 5 की वैल्यू स्विच बंद हो जाएगी, और 6 के लिए हमारा ये वाली स्विच बंद हो जाएगी। सो ये और ये स्विच जैसे ही बंद हो जाएगी, दैट मींस कि 856 इज द इंडिकेशन ऑफ इज एन इंडिकेटर फॉर द वैल्यू 856, ऐसा नंबर नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम में प्रदर्शित हो जाता था। ठीक है, सो लेकिन इसका जो लिमिटेशन था, इसका लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन था कि ये सिर्फ मैक्सिमम 0 से 999 तक की ही वैल्यू उसको क्या कर सकता था, ये हमको दिखा सकता था और हमको इंडिकेट कर सकता था। लेकिन अगर उससे बड़ी वैल्यूज हुई तो वो उसको नहीं इंडिकेट कर सकता था। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ। जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी जो वर्क हुआ रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में, वो था हमारा नेक्सीट्यूब। नेक्सीट्यूब तो सबसे पहले इसी कंस्ट्रक्शन पे अगर हम लोग चले, तो नेक्सी जो ट्यूब था वो हमारा, जैसे कि हमारा एक प्रॉपर ये हमारा एक प्रॉपर एक ग्लास ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब, उस टाइप का ये प्रॉपर था हमारा। और इसमें वैल्यूज 9876543210 इस टाइप से हमारा इंडिकेशन था 9876754210 इस टाइप की ये वैल्यूज होते थे। और ये जो पट्टी था, देखिए फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मिक्सी ट्यूब की जो बात हो रही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस हैं। मिक्सी ट्यूब हमने डायग्राम तो ऑलमोस्ट सिमिलर बनाया था, उसमें हमारे पास एनोड और कैथोड दो, जैसे कि हम लोग के एक ग्लास ट्यूब होता है, उस ग्लास ट्यूब में हमारे दो, ये हमारा एक पहला पट्टी था जिसमें हमारे जितने भी स्विचेज या इंडिकेटर्स थे वो थे, ये इस टाइप का हमारा पूरा इंडिकेटेड सिस्टम हुआ करता था। और इसमें ये जो हमारा सिस्टम है, ये हम लोग इसको बोलते थे, क्या बोला करते थे, एनोड, इसको एनोड, और ये हमारा थे कैथोड। ठीक है, एनोड कैथोड का ये था सिस्टम, और इसके साथ एक हमारा रेजिस्टेंस आउटपुट के रूप में मौजूद था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। सो दिस वाज द निक्सी ट्यूब। और ये हमारा, इसमें ये ग्लास फिल्ड, ये गैस फिल्ड ट्यूब रहता था, और इसका जो वायर मैश एनोड का फॉर्मेट था, मैं थोड़ा सा ये जो ये देखिए, ये बहुत मैं सिंपल, बहुत ही सिंपलिसिटी से आपको यहाँ पर शो किया हुआ है कि हाउ निक्सी ट्यूब वॉज इंडिकेटिंग थिंग्स। और ये हमारा बहुत
बड़े लेवल तक वैल्यूज को ये इंडिकेट कर देता था, जैसे कि 9 वैल्यूज तक ऑलमोस्ट ये हमारा इंडिकेट करने की सक्षम था, बट इसकी जो एक्यूरेसी थी वो उतनी प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू नहीं होने के कारण से निक्सी ट्यूब या उसका जो शेप था और जो उसकी साइज थी वो बहुत बड़ा हुआ करता था, या उसका छोटा मतलब, और गैस के कारण से उसका ब्रेकिंग हो जाना, उसका टूटना फूटना, उसका रोबस्टनेस ना होना, ये निक्सी ट्यूब हमारा इस वजह से ज़्यादा नहीं चल पाया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा निक्सी ट्यूब का अगर एक और स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग दिखाएंगे कि जो एनोड का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से मैच्ड रहता था, इस टाइप से देखिएगा, इस टाइप से ये ऐसा मैश रहता था, और इस मैश में ये कुछ इस ढंग से चीजों को रिप्लिकेट किया करता था, ठीक है, ये मैश बन जाता था, और ये हमारा इसके अंदर ये हमारा गैस फिल्ड ट्यूब था, इसके अंदर ये जो हमारे अभी निकले हुए पूरे 10-9 टाइप के जो एनोड कैथोड्स हैं वो हमारे इस तरीके से यहाँ पर रहते थे। इसको कहा जाता था, दिस वाज कॉल्ड एज वायर मैश एनोड, दिस वाज द निक्सी ट्यूब। और निक्सी ट्यूब का फ्लॉप होने का कारण मैंने बताया कि पहली चीज तो गैस का फिलअप होना, गैस के फिलअप होने से जो कॉस्टिंग है उसका इंक्रीज हो जाना, नो डाउट जो उसका आउटपुट होता था या जो उसमें चीजें रिप्लिकेट करती थी वो बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत सही तरीके से दिखाई जाती थी, बट देन ऑल्सो निक्सी ट्यूब का जो लेवल था वो उतना प्रॉपर लेवल नहीं था जिससे कि हम लोग चीजों को शो अप कर पाते, ठीक है। सो दिस वाज द निक्सी ट्यूब, और निक्सी ट्यूब के फेलियर का रीजन बहुत सारे, सिर्फ और यही मैं नहीं बताता, एक तो क्या इसका मास प्रोडक्शन ना होना, इसकी हैंडलिंग की प्रॉब्लम, इसका ट्रूथफुलनेस तो बहुत अच्छा था, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी थी, बट देन ऑल्सो जो इसका ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट होता था, कंस्ट्रक्शनल जो कॉस्ट था, इनिशियल कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट वो बहुत ही ज्यादा वॉज वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग लेस नंबर ऑफ पीसेस के बारे में बात करें, लेकिन अगर जहां ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस की बात आती थी निक्सी ट्यूब, वहां पर वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता था, और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ-साथ जो, लेकिन इसका फिर अल्टीमेटली क्या होता था, इसका जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल वाज आल्सो अ मेन मेजर इशू, ये मेजर प्रॉब्लम कि एक समय के, जैसे हम लोग को ये जो हम लोग का ट्यूब रॉड है ये खराब होने के बाद इसका जो ये जनरली हम लोग का ट्रैश में चले जाता है, और ट्रैश में जाने से ये फूट जाता है, फूटने से फिर कांच जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, उसका ये सारे थोड़े से रीजंस थे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो निक्सी ट्यूब के निर्माण में हमारे धीरे धीरे क्या हो गए, आउटडेटेड होते चले गए, और आउटडेटेड होते होते चीजें थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब्ड होती गई, ठीक है। सो दिस वॉज दी निक्सी ट्यूब जो कि एक बहुत अहम किरदार निभाया डेवलपमेंट ऑफ इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्डर्स में, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और देखिएगा चीज़ें थोड़ी सी और सिंप्लीफाई होके और थोड़ी सी प्रॉपर और एक्यूरेसी की ओर हम लोग मूव करते जाएंगे, जिससे कि हम लोग को ये समझ में आते जाएगा कि जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी जो उनमें किस तरीके का चेंजेस आया, और किस तरीके से उसमें हम लोग ने चेंजेस करके उसकी जो एक्यूरेसी थी, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, जो उसकी रिगिडनेस थी, उसका प्रिसीजन था, जिसमें एरर्स जो थे वो सारी को किस तरीके से हम लोग ने
ठीक करते करते चीजों को प्रॉपर किया और आज हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम लोग आजकल मैक्सिमम चीजों को सेंसर कर रहे हैं और हम लोग जो भी पुरानी अनलॉक चीजें थी उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। सो गाइस आज के लिए हम लोग ये दो टॉपिक, आप इन दो टॉपिक को थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी करेंगे, जो मैंने नोट्स आप लोगों को दिया है। हिंदी वाले नोट्स को थोड़ा सा आप लोग प्रॉपर देखें और इंग्लिश वाले यू कैन यूज माई नोट्स एज वेल, बिकॉज उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो और आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्लीप चार्ट रिकॉर्डर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और स्टडी करेंगे। दिल देन थैंक यू।